नहीं लो भाई, हमारे पास फिर वही है। कौन सा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दोबारा से। तो वर्नर हाइजेनबर्ग, वो थोड़ी सारी इसकी हिस्ट्री, 27 में उसने दिया, 32 में उसे नोबेल प्राइज मिला। रेजिडेंट इवल गेम नहीं, गेम नहीं खेली मैंने, फिल्म पूरी देखी है। फिल्म उसके साथ पार्ट है, मूवी के साथ के साथ पार्ट देखे हुए हैं। नहीं अच्छा होगा, मैंने नहीं खेली। तो अब अगर हम इसको देखें ना, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के मुताबिक ना दो चीज़ें देख लो भाई। ओए तुम फिर इकट्ठे बैठ के, पोजीशन एंड मोमेंटम में हमेशा क्या होगी, कुछ ना कुछ हद तक क्या होगी, अनसर्टेनिटी। ये एक नॉर्मल बात है कि कोई भी आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट करो या मेजरमेंट करो, उसमें काफ़ी हद तक क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। दुनिया में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो 100% क्या देगा आपको, एक्यूरेसी देगा 100%, यानी कि सर्टेनिटी देगा। देर इज ऑलवेज कुछ ना कुछ हद तक क्या होगी, अनसर्टेनिटी। डिटोल मारे इतने कीटाणु, लाइफ बॉय भी मारे, हाँ, तो वो जैसे ये इतने इतने करते हैं तो कुछ परसेंटेज रुक जाती है, बच जाती है। सेम हमारे पास फिजिक्स में भी कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या है, अच्छा होते होते कुछ हद तक क्या दे देता है, बीच में रुक जाता है, अनसर्टेन चला जाता है। तो वो हाइजेनबर्ग ने बताया। हाइजेनबर्ग ने ये भी हमें बोला कि भाई साहब अगर इसको मेजर करना है या इसको मेजर करना है तो एक सही होगा और एक गलत हो जाएगा। यानी कि उसने आपको ओवरऑल कुछ ये चीज़ समझा दी, डेल पी डेल एक्स मैक्सिमम हो सकता है या बराबर हो सकता है एच कट के, ठीक है। और अगर इसको रियल में देखे तो असल में ये यूं था, ठीक है। यानी कि आप इसको लिखोगे डेल पी डेल एक्स ग्रेटर देन एच ओवर 2π नहीं होगा, अब ये 4π, क्योंकि एच कट 2π होता है ना, 2 से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4π। तो असली वैल्यू इसकी ये है, वो हम थोड़ी, क्योंकि हम चूंकि 10 की पावर में देख रहे तो हमें बाकी वैल्यू से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाती है उधर, 10 की पावर माइनस एच की, तो वो पावर में आता है कि मतलब हम इससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बराबर आ सकते हैं, वो भी प्री साइज लेवल पर जाकर, या इससे क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा गलत हो सकता है, सही नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। अब ये तो थी तब की कहानी। अब हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 में इसका क्या काम है, हालांकि 19वें में हमने पढ़ लिया, इसमें इसका क्या काम है। इसमें वहाँ पर तो सिर्फ ये आपको दो चीज़ों में बता रहा था, यानी कि ये एक और तरीके से जो बोहर का जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल था उसकी वजाहत कर रहा था ना, कि एट अ टाइम आप एक चीज ही देखोगे, या तो आप वेव नेचर देखोगे या पार्टिकल नेचर। इधर ये एक और काम कर रहा है, ये इसके अलावा क्या बताएगा, ये आपको रेजिडेंस बताएगा, किसकी, इवल की रेजिडेंट। ये रेजिडेंस बताएगा जो क्या घूम रहा होगा, जो मोशन कर रहा होगा। मोशन कौन कर रहा होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। आपको कहो सर वो तो हमें वो भी बता रहा था, कौन, बोहर बता रहा था। बोहर का कौन सा सेकंड पास्टुलेट था, वो क्या कहता था, MvR इज इक्वल टू NH/2π। तो ये बता रहा था। अब हमने जरा देखना कि क्या अगर हम सपोज करें, तो कोई बंदा कहता है कि भाई ये किसी ने क्यों नहीं सोचा कि प्रोटॉन एटम के गिर्द घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है, ये भी तो हो सकता था। मतलब कि ये भी तो हो सकता है ना कि एटम पूरे का पूरा है ही नहीं, एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे मिलजुल के रहते हैं, तो हम मूल प्यार मोहब्बत से, ठीक है। तो ज़रा ये भी तो हो सकता है क्यों। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि न्यूक्लियस अगर अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को तो कहे जानी तू मेरा यार है, तू मेरे पास आ और अंदर घूम, भाई भी तूने वादागर्दी करनी है तो घर के अंदर घूम, ये भी तो हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी एक्सप्लेन करेगा कौन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज़रा ये देखना हमने कि ये कैसे एक्सप्लेन करेगा।
फार्मूला ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, मैं यार मोहब्बत से किसके पास चला गया, प्रोटॉन के पास, और प्रोटॉन कहता है तू ज़रा मेरे करीब घूम, तो जब वो उसके पास जाएगा घूमने के लिए, तो आपने यहाँ पर जो उसकी पोजीशन होगी उस वक्त वो होगी न्यूक्लियस के अंदर की, और न्यूक्लियस का साइज है 10^-14 मीटर। न्यूक्लियस का क्या साइज आ जाएगा? 14 मीटर, ये न्यूक्लियस का साइज है। तो इसका मतलब है कि अगर पोजीशन मुझे सही पता है तो मोमेंटम में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन गलती हो सकती है, लाजमी बात नहीं है कि मोमेंटम हम कैलकुलेट ना कर सकें, कुछ ना कुछ गुंजाइश होगी, लेकिन मोमेंटम काफ़ी हद तक क्या आ जाएगा, सही ओवरऑल वैल्यू इसके बराबर आएगी। अगर मैं इसी फार्मूले में ज़रा पुट करूँ, तो आप मुझे ये देखो कि इस कैलकुलेशन से आंसर ज़रा देखो हमारा क्या बनेगा। ये देखो, ये आ गया हमारे पास डेल पी इज इक्वल टू एच ओवर 4π, ठीक है, और ये आ गया डेल एक्स। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इधर से आ जाएगी एच ओवर 4π डेल एक्स, इधर एम वी था, एम डेल वी बनेगा ना, एम डेल एम तो बन नहीं सकता, डेल एम क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मास इज अनचेंजेबल क्वांटिटी, ठीक है, तो मास फिक्स है, इधर क्या आ जाएगा एम। जब आप इस सारी गुफ्तगुनीद से इस कैलकुलेशन को देखोगे तो h की वैल्यू -34, मास -31, डेल एक्स -14 और 4π वैसे के वैसे वैल्यू। पुट करने के बाद अगर आप आंसर देखो तो देखना क्या 1.74 है, 7.3 × 10^10 है। मुझे बताओ क्या ये वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? नहीं कर सकता कि कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं, ये वेलोसिटी क्या इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है? नहीं कर सकता सर, क्योंकि नहीं कर सकता है एच पर, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वो होती नहीं ये एंगुलर वेलोसिटी। नहीं नहीं, सारा कुछ है, इलेक्ट्रॉन को खुली जा झूला लगा के दिया, पूरा झूले का सेटअप लगा के दिया, उस पर घूम सकता है, क्यों नहीं कर सकता मुझे बता, मुझे तो बता ना सही, करे कंफ्यूजन तेरी। स्पीड ऑफ लाइट को पहुंचेगा ये तो, स्पीड ऑफ लाइट को पहुंचेगा नहीं, क्रॉस कर देगा, तो आइंस्टाइन गलत हो गया ना। चैप्टर में 19 में हमने पढ़ा है कि नथिंग कैन बी ग्रेटर, किसी भी चीज की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती किससे, और वो कितनी है 10^8। ओ जाजो, ये क्या है 10^8, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी हो सकती है? इतनी नहीं हो सकती, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड अचीवेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि एम भी कांस्टेंट था, एच भी कांस्टेंट था, तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा थी वेलोसिटी? डेल एक्स मीन पोजीशन पर, तो वो पोजीशन कहाँ पे हमने रखी थी इस वक्त? न्यूक्लियस के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम यही कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लें, अगर हमारा जो एटम है वो न्यूक्लियस के कहाँ है? बाय। अब यहाँ पर अगर बोहर पास्टुलेट लगाऊं तो एन की वैल्यू पहली क्या आ जाएगी? 1। और अगर आपको याद हो तो आर 1 की वैल्यू किसी को याद है क्या थी? 0.053 तो 1, 2 ये बन गया 5.3 × 10^ यही बनेगा, नैनो है ना, माइनस और 2 पॉइंट ये आ गया तो -11 हो गया। अगर मैं यहाँ पर ज़रा चेक कर लूँ तो फिर देखता हूँ मैं क्या स्पीड आती है, h ओवर 4π। अब डेल x की जगह क्या पुट हो जाएगा? डेल x की जगह क्या आ जाएगी? ये वाली पोजीशन, R1 वाली पोजीशन, क्योंकि सबसे पहला न्यूक्लियस यही है ना, पहला न्यूक्लियस कह रहा हूँ, पहला शैल ये है, बड़े तो और भी हैं लेकिन हम कम से कम वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो पहला शैल ये है। क्या पहले शेल में एच डेल एक्स की वैल्यू R1 पुट कर दी जाए, तो अगर आप अब स्पीड निकालो तो स्पीड ज़रा देखो क्या आती है, 1.74 है। चल ठीक है, 10^ -7 कहाँ है? ठीक है, क्या ये स्पीड अचीवेबल है? हो सकती है, 8 नहीं हो सकती, ठीक है, 8 के करीब तर भी जा सकता है, हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 8 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी भी चीज की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से क्या नहीं होगी, हो सकता है, हाँ, तो
ये वाला जो कहानी है, इस कहानी के मुताबिक क्या बना कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिजाइड या इस रेजिडेंस में रहकर अपने आप को घुमाटे दे सकता है, घूम सकता है। तो इसका मतलब है ये ऑर्बिट या ये उसकी रेजिडेंट सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, न्यूक्लियस के अंदर उसकी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां से हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहा होगा आपको, एटम के अंदर पोजीशंस भी बता रहा है कि भाई कहां कहां पर रह सकता है और कहां कहां पर, और प्लस उसकी क्या बता रहा होगा वेलोसिटीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये दूसरे शेल में हो तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर ये वैल्यू कम हो तो ये ठीक है, तो वेलोसिटीज का इफेक्ट उसके साथ क्या होता जाएगा चेंज। लेकिन कभी भी इससे ज्यादा देखो ना, ये ज्यादा ये कम था, ये कम था, ये क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये बड़ी है या ये बड़ी है, ये नीचे वाली बड़ी है, ये बड़ी है, बड़ी वैल्यू पे वेलोसिटी क्या हुई, ये छोटी वैल्यू थी वेलोसिटी क्या थी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, तो ये सारा हमारे उसके तरह ही नहीं आ गया जो हमारा प्लैनेट वाला सिस्टम है, तो सेम सोलर सिस्टम की तरह ही ये बिहेवियर दे रहा है। तो इसका मतलब है बोहर का मॉडल इस लिहाज से भी कुछ हद तक क्या है, ठीक है, वो हो जाएगा। बस यही टॉपिक था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, चैप्टर नंबर 21 में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर एक हमारे पास रिएक्शन होता है बीटा पार्टिकल। तो आपने अक्सर पढ़ा हुआ है कि जो भी न्यूक्लियस रिएक्शन है उनमें न्यूक्लियस ही होता है, कौन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी न्यूक्लियस से कैसे निकल सकता है, वो इधर से ही पता लगेगा आपको कि वो कैसे निकलता है, ठीक है, तब बताएंगे ना। रुको जरा, सब्र करो, इतना फास्ट चल